हेलो एवरीवन, मैं बलवंत सिंह, बीबीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके बीच में आए हैं RSMSSB रिक्रूटमेंट 2024 राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड जो है उसका जो वैकेंसी आई है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिगार्डिंग, तो उसके लिए आपके बीच में आए हैं। तो पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, तो ये तीन वैकेंसी आई है जिनके बारे में संपूर्ण जानकारी, फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, लास्ट डेट वगैरह क्या रहेगी, प्रोसेस क्या रहेगी एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की, क्या आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए, तो जानकारी हम आपके बीच में लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज्यादा वक्त जाया किए आज के सेशन को। तो सबसे पहले अपने जिस वैकेंसी का जिक्र करेंगे वो रहेगी पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। तो जो विद्यार्थी पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो सेकंड सेक्शन रहने वाला है जिसमें पोषण स्वास्थ्य का ज्ञान और योजनाएं और शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, ये जो सेकंड सेशन है वो कंप्लीट सेकंड सेशन आपको बीबीसी स्टडी ऐप पर करवाया जाएगा। बिल्कुल मार्जिनल प्राइस उसकी 499 रखी गई है। तो बीबीसी स्टडी आपको ऐप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं अपने वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो वैकेंसी आई है राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का जो क्रमांक है पत्र संख्या P14RSSB 13/2/2024 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनके गैर अनुसूचित क्षेत्र में 175 पोस्ट और अनुसूचित क्षेत्र में 27, टोटल 202 पोस्ट की वैकेंसी आ रखी गई है। अब ये जो वैकेंसी का जो वर्गवार आरक्षण है ये आपकी स्क्रीन पर रेडी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है क्या क्या इसमें आरक्षण रहेगा। फिर अपने आगे चलते हैं। आरक्षण के बाद जो अन्य महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनकी तरफ अपना एक बार गौर कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 7 का निर्धारित किया गया है। अब जो मुख्य बात है वो अपने देख लेते हैं, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, कि इस पोस्ट के लिए कौन कौन पात्र है, उनकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। तो ग्रेजुएट ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, ग्रेजुएशन होना जरूरी है और 10 साल का आंगनवाड़ी वर्कर का एक्सपीरियंस होना जरूरी। ध्यान देने वाली बात है ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास मिनिमम 10 ईयर्स का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी यहां पर मांगा गया है। इसके साथ ये तो कंपल्सरी है, अब इसके साथ क्या है, इसके बाद अपने पास कंप्यूटर के संबंध में कोई ना कोई डिग्री डिप्लोमा होने चाहिए, वो आपके साथ ओ लेवल का सर्टिफिकेट या उससे हायर सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर IELTS का जो सर्टिफिकेट है वो हो सकता है, या फिर कोपा या फिर BSc वगैरह हो सकती है आप कंप्यूटर साइंस से, और सबसे लास्ट में बात करें जो कॉमन मिलता है अपने को RSCIT का यहां प्रावधान रखा गया है। तो एक तो हो गया अपने पास कंप्यूटर का कोई भी कोई ना कोई क्या होना चाहिए डिप्लोमा, जैसे कि RSCIT वो हो गया, या आपके पास मेन स्ट्रीम में कंप्यूटर हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट के रूप में वो चल जाएगा यहाँ पर, और ग्रेजुएशन आपके पास होनी ही होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है 10 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसके अलावा हिंदी भाषा का हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। तो आयु की बात करें तो एज पॉलिसी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्या एज पॉलिसी रखी गई है इसमें, 1/1/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, तो ये एज पॉलिसी लिखी गई है। उसके बाद उसमें जो छूट दी गई है उसका स्पष्टीकरण आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास बाद में आराम से देख सकते हैं। फिर अपने चलते हैं आगे। तो ये एज के संबंध में जो अन्य स्पष्टीकरण है वो भी आप यहां से देख सकते हैं, आप किसी अलग कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। फिर बात करते हैं अभी पंजीयन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, टाइम फ्रेम क्या रखा गया है। तो CSC के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 21
2024 से 21/3/2024 को एक महीने का समय दिया गया है। 21 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे और 21 मार्च 2024 लास्ट डेट क्या रखी गई है, 21 मार्च 2024 मध्य रात्रि तक अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र बोर्ड की वेबसाइट से आप भर सकते हैं और पेमेंट वहां पर अपने कर सकते हैं। फिर बात करें परीक्षा के आयोजन की, तो या तो ये सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, या तो ये सीबीटी रहने वाला है या फिर ये रहेगा टीबीटी टेबलेट आधारित परीक्षा, या फिर ये ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है, ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है, तो ऑफलाइन भी हो सकता है ऑनलाइन भी हो सकता है। इसके बारे में जानकारी एग्जाम फॉर्म फिल होने के बाद एडमिट कार्ड के साथ ही आपको मिल जाएगी, प्रवेश पत्र SSOID से अपने को प्राप्त हो जाएंगे और आपके जो मोबाइल नंबर है या जो ईमेल आईडी है उस पर हमें इसके रिगार्डिंग सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना पर्सनल लगाना है। फिर चलते हैं परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में क्या रहने वाला है, मुख्य रूप से सिलेबस की बात करें तो इसमें दो, इसमें अपने पास सेक्शन है, प्रथम खंड सेक्शन ए और सेक्शन बी द्वितीय खंड। तो पहले बात कर लेते हैं विषय जो प्रथम खंड के रहने वाले हैं, उसमें सामान्य हिंदी रहेगी, सामान्य इंग्लिश और गणित और सामान्य तर्क शक्ति। सामान्य हिंदी का जो अंक बार है वो 50 नंबर का है, सामान्य इंग्लिश का 25 का है और गणित और सामान्य तर्क शक्ति का भी 25 का। तो टोटल ये 100 मार्क्स किसके हो गए, सेक्शन ए के हो गए। इसी प्रकार जो सेक्शन बी है खंड द्वितीय है, उसमें पोषण व स्वास्थ्य ज्ञान और योजनाएं ये 65 का रहेगा, शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा ये 35 का। तो ये भी टोटल कितना हो गया आपका 100 मार्क्स का हो गया, दोनों मिला के 200 मार्क्स के हो गया। टोटल समय हमें कितना मिलेगा, 3 घंटे का समय यहाँ पर मिलने वाला है। फिर बात करें कि स्टैंडर्ड क्या रहेगा, तो ग्रेजुएशन का स्टैंडर्ड रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ध्यान देने योग्य बात क्या है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है, तो नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। फिर बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम का विस्तारित रूप भी हमें याद दिया गया है। पाठ्यक्रम के विस्तारित रूप की एक बार बात कर लेते हैं कि जो आपकी प्रथम खंड है सामान्य हिंदी है, तो उसमें संधि संधि विच्छेद सामासिक पदों की रचना समास विग्रह उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द अनेकार्थक शब्द शब्द युग्म शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि वाच्य क्रिया वाक्यांश के लिए एक शब्द मुहावरे और लोकोक्तियां और अंग्रेजी के पारिभाषिक जो तकनीकी शब्द हैं उनके समानार्थक हिंदी शब्द कौन से हैं। इसी प्रकार जनरल इंग्लिश का सिलेबस दिया गया है, टेंसेज वॉइस नरेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स यूज ऑफ प्रीपोजिशन ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इंग्लिश टू हिंदी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब आर्ग्यूमेंट डिग्रीज ग्लोसरीज ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड्स फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस एंड सरफिक्सेस। इसी प्रकार जो आपकी गणित और सामान्य तर्क शक्ति है उसके सिलेबस में अनुपात समानुपात प्रतिशत लाभ हानि बट्टा डिस्काउंट साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट तार्किक दक्षता में कथन और मान्यताएं कथन का तर्क निष्कर्ष विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता दिशा बोध आयु संबंधी मानसिक योग्यता में जो ओड वन आउट छांटना है कोड कोडिंग डिकोडिंग संबंध के इसके संबंध में आपका क्या रहेगा मुख्य रूप से सिलेबस रहने वाला है सेक्शन ए का। फिर बात कर लेते हैं सेक्शन बी की, जो सेक्शन बी है उसका जो सिलेबस रहने वाला है वो रहेगा आपका पोषण एवं स्वास्थ्य ज्ञान योजनाओं में। तो इसमें सबसे पहला पोषण का टॉपिक अपने को कंप्लीट करना है, उसके बाद जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व किशोरावस्था गर्भावस्था या नवजात शिशु धात्री महिलाएं बाल्यावस्था वयस्क वृद्धावस्था इनमें क्या पोषण मिलना चाहिए गर्भवती की देखभाल प्रीनेटल एंटीनेटल नेटल जो भी देखभाल है वो कैसे करेंगे वैक्सीनेशन टीकाकरण का क्या सिस्टम रहता है स्वास्थ्य और पोषण के विभिन्न कार्यक्रम है कुपोषण सामान्य बीमारियों की जानकारी बाल विकास का परिचय शाला पूर्व शिक्षा परिचय। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है कवर करेंगे। जो फर्स्ट सेक्शन बी में जो फर्स्ट पार्ट है वो 65 का रहेगा और जो सेकंड पार्ट है वो 35 मार्च का यहाँ पर रहने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है जिस पर अपने को सूचनाएं वगैरह बार बार समय पर मिलती रहेंगी। तो ये हो गया अपना सिलेबस। तो ये था अपना पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के फॉर्म के रिगार्डिंग जानकारी जिसका बैच आपके बीबीसी स्टडी ऐप पर मिल जाएगा सेक्शन बी की, जिसमें तैयारी आपको अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। फिर बात कर लेते हैं पर्यवेक्षक महिला सिद्धि भर्ती है,
तो ये भी सेम उसी डेट को है, 13/2/2024 को जो वैकेंसी निकली है। टोटल यहां जो वैकेंसी निकली है 209 पोस्ट यहां पर दी गई है, 164 और 45 टोटल 209 पोस्ट यहां पर दी गई है। अब यहां बात करें कि यहां जो सामान्य पात्रता जो परीक्षा हुई थी, जो सीईटी हुई थी, वो यहां पर क्या है भी अनिवार्य रूप से यहां पर कंपलसरी है। तो सीईटी यहां पर व्यक्ति को सीईटी धारक व्यक्ति यहां अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास आपके सामने जो आरक्षण दिया गया है अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है उसकी डिटेल आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में देख सकते हैं। इसी प्रकार अपने आगे चले शैक्षणिक योग्यता, जो मुख्य इसमें बात रहने वाली है शैक्षणिक योग्यता की, तो ग्रेजुएट होना इसमें जरूरी है, ग्रेजुएशन बीए बीकॉम बीएससी जो भी आपके पास अवेलेबल है ग्रेजुएशन होना जरूरी है। उसके साथ साथ जैसे कि पहले बताया था सेम वही कंडीशन है, ओ लेवल का या हायर क्वालिफिकेशन में आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए और मिनिमम क्या हो सकता है आरएससीआईटी, तो आपके पास कम से कम होना ही होना चाहिए, कंप्यूटर का कोई ना कोई डिप्लोमा आपके पास होना ही होना चाहिए और देवनागरी हिंदी लिपि आपको अच्छे तरीके से ज्ञात होनी चाहिए। आयु के बारे में भी सेम जो उसमें सिस्टम दिया गया था सेम वही है और बाकी सूचनाएं आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित है, तो आप यहां से स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख सकते हैं। आयु का स्पष्टीकरण आपको यहां मिल जाएगा। फिर लास्ट डेट की बात करें तो 21 मार्च 2023 तक लास्ट डेट रहेगी, वही सीबीटी टीबीटी या ओएमआर बेस्ड इसका एग्जाम होगा। प्रवेश पत्र आपको वेबसाइट से समय रहते सूचना मिल जाएगी। और इसका जो पाठ्यक्रम है, एग्जाम की जो स्कीम है, वो किस प्रकार से एग्जाम कराया जाएगा उसके संबंध में जो जानकारी है वो जल्द ही विभाग द्वारा जारी कर दी जाएगी। तो पाठ्यक्रम के बारे में अभी कुछ स्पष्टीकरण है नहीं, जैसे कोई स्पष्टीकरण होता है तो हम आपके साथ जरूर वो शेयर करेंगे। फिर चलते हैं अगली जो वैकेंसी है, पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। उससे पहले ये जो पहले हमने फर्स्ट जो वैकेंसी बताई थी उसके रिगार्डिंग ये सूचना एक बार फिर से आपके लिए, अगली जो वैकेंसी रहने वाली है वो रहेगी पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता। कौन सी वैकेंसी है? पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता। ये अपनी अगली वैकेंसी रहेगी पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता की। तो इस वैकेंसी की बात करें तो ये वैकेंसी भी सेम उसी डेट को है और यहां जो टोटल पोस्ट है 176 है, 142 और 32 पोस्ट रहेगी और यहां भी सीईटी आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। समान पात्रता परीक्षा जो है स्नातक स्तर की, उसमें आपको क्वालिफाई होना यहां पर जरूरी है। फिर आपकी स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित हो रहा है, यहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहां पर जो आरक्षण रखा गया है, आरक्षण की स्थिति यहां पर आपके सामने स्पष्ट हो जाएगी। फिर बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, तो जैसा कि पहले बताया था शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना आवश्यक है, उसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना भी आपको आवश्यक है। इसके अलावा पहले आपको बता दिया गया था सीईटी होना कंपलसरी है और न्यूनतम जो उत्तीर्णांक दिए गए हैं 40% आपको स्पीक कैटेगरी में कम से कम लाने अनिवार्य यहां पर रखे गए हैं। आयु पॉलिसी एज पॉलिसी 21/12/2024 तक को यहां एज पॉलिसी ली जाएगी 21/1/2025 तक को 18 वर्ष से 40 वर्ष तक एज पॉलिसी यहां पर निर्धारित की गई है। बाकी जो एज पॉलिसी में जो छूट दी गई है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बाद में। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो दिनांक है वो 15/2/2024 से 15/3/2024 तक रहने वाली है, तो इसकी जो डेट है वो थोड़ी पहले है। पहले वाली दोनों वैकेंसी थी वो 21 मार्च उसमें लास्ट डेट थी, यहां जो वैकेंसी है अधिकारिता वाली उसमें 15 मार्च इसमें लास्ट डेट रखी गई है। एग्जाम की बात करें तो सीबीटी टीबीटी या फिर ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी प्रकार से एग्जाम लिया जा सकता है, विभागीय निर्धारित समय पर तय करेगा विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर कितने उसमें इनरोल होते हैं बच्चे उसके आधार पर। तो बात करें परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम की, तो परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम है तो इसमें जो राजस्थान इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री जो रहने वाली है विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 50 रहने वाले हैं। टोटल मार्क्स इसमें कितने रहने वाले हैं? 2 रहने वाले हैं, तो 15 into 2 30 मार्क्स यहाँ रहने वाले हैं।
फिर अपने बात करें हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, तो ये 25 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, 15 मार्क्स यहाँ रहने वाले हैं। इंडियन जो पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, उसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के आने वाले हैं। यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड जो आईटी का फील्ड रहेगा, उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स यहाँ रहने वाले हैं। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड, जो ज्योग्राफिकल जो पार्ट है, भूगोल जो है, उससे 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर्स के। जनरल जो सामान्य साइंस है, उसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी जो रहने वाली है, आपकी 15 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। लैंग्वेज एबिलिटी, हिंदी एंड इंग्लिश, ये आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के। इस प्रकार टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और 300 मार्क्स रहने वाले हैं। टोटल 3 घंटे का समय यहाँ पर आपको दिया जाएगा। फिर अपने बात करें जो अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं एग्जाम के रिगार्ड में, तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, और यहाँ प्रत्येक जो रॉन्ग आंसर है उसके लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। जितने भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, जितने भी आपको मार्क्स मिल रहे हैं, उसका 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग में यहाँ पर काट लिया। जैसे यहाँ पर 2 नंबर मिल रहे हैं, तो 2/3 जो मार्क्स हैं आपके क्या क्या होंगे, नेगेटिव मार्किंग में काट लिए जाएंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ 40% रहने वाले हैं, और जितने भी क्वेश्चन जो आपको सीरीज मिलेंगे, ऑप्शन मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको मिलने वाले हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर अपने आंसर्स मार्क करने हैं। फिर अपने बात करें भी आगे क्या ध्यान रखना है कि यहाँ टोटल 5 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे, ए बी सी डी, पहले 4 होते थे, 5 कर दिए गए हैं, ए बी सी डी ई। तो हमें 500 में से कोई ना कोई विकल्प फिलअप करना जरूरी है, एक विकल्प आपको कम से कम और एक ही मैक्सिमम आपको विकल्प फिलअप करना जरूरी है। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपको ई विकल्प यहाँ लागू करना जरूरी है। यदि किसी प्रश्न का हल नहीं किया है तो उसके लिए आपको 5वां विकल्प ई को आपको भरना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगर कोई कैंडिडेट 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में गहरा नहीं भरे तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब है टोटल जो 150 क्वेश्चन थे अपने पास, अगर उसमें से हम 15 क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो क्या हो जाएंगी, जो विद्यार्थी है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसके लिए आपको ई जो सर्कल है उसको मार्क करना पड़ेगा, गहरा राउंड उसको करना पड़ेगा। तो ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। बोर्ड की वेबसाइट से हमें क्या मिल जाएगी, आगे की जितने भी सूचनाएं हैं वो आपको बोर्ड की वेबसाइट से मिल जाएंगी। और जो फिर से एक बार, जो विद्यार्थी पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिसमें 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया था, सीईटी इसमें अनिवार्य नहीं है, तो उसमें कोई विद्यार्थी सेक्शन सेकंड की अगर वो तैयारी करना चाहता है अच्छे से, तो वो पोषण स्वास्थ्य का ज्ञान और योजनाएं, और जो 65 मार्क्स का था, और इसी प्रकार शिशु की प्रारंभिक देखभाल जो 35 मार्क्स की थी, उनमें वो अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, तो वो पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जो हमारा बैच है, बीबीसी स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक मिल जाएगा, वहां से उसको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो वहां से वो ऐप डाउनलोड कर ले और वहां आपको ये बैच मिल जाएगा। अभी बैच की जो कक्षाएं हैं वो निकट ही भविष्य में स्टार्ट होने वाली है, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको समय समय मिलता रहेगा। तो उसके लिए, इसके अलावा आप राजस्थान या पूरे इंडिया में किसी जहां भी वैकेंसी आती हैं, सामान्य खासतौर से राजस्थान में या फिर ऑल ओवर इंडिया में आईटीआई बेस पे जो भी वैकेंसी वगैरह आती हैं, तो उनके संबंध में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप बीबीसी स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप और यूट्यूब टेलीग्राम के चैनल के लिंक भी मिल जाएंगे, वहां से उनको आप फॉलो कर सकते हैं, तो वहां जो अपडेट्स हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं आज का जो हमारा सेशन है उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो वैकेंसी आई थी उसके संबंध में जितनी भी शंकाएं थी वो हमने दूर करने का प्रयत्न किया है। तो उम्मीद करते हैं आपकी सभी शंकाएं इसमें दूर हो गई होंगी और हमारा लेक्चर आपके लिए आज लाभप्रद रहा होगा। तो आज का सेशन अपने यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।